टेक्निकल स्टैंडर्ड है लेकिन इतना ज़्यादा एग्जामिनेबल है नहीं ना पास्ट में, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ ह्यूज स्टैंडर्ड, एंड इतना ह्यूज है कि इसको थ्री स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं, एक टॉपिक को थ्री स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। हर स्टैंडर्ड में एक स्पेसिफिक इशू डिस्कस होता है, इतना ह्यूज ये टॉपिक, नॉट दैट मच इन डिटेल इन आर सिलेबस, लेकिन स्टिल काफी, फिर भी काफी हैवी है। नाउ देखिए, सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं क्या, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या, ताकि फिर हम इसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करें। सो आप देखें, कोई भी कंपनी जब फाइनेंस रेज करती है तो वो किस फॉर्म में फाइनेंस रेज करती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इक्विटी और डेट। इक्विटी और डेट, वेरी गुड। इक्विटी इज शेयर्स, राइट? या एंड डेट इज लोन, राइट? बिल्कुल। फिर इक्विटी शेयर्स में भी हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है? तो कंपनी एक्ट एज एन इशूअर, कंपनी अगर इशू करेगी तो दिस इज वन साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, राइट? खरीदेगा कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल सिंपली। एबीसी पीएलसी issued 100,000 ordinary shares. आप parties identify करें दो जिनके दरमियान ये contract हुआ होगा। एबीसी जो है वो इश्यूअर है जी, और जो खरीदेगा वो इन्वेस्टर है, वो बायर इन्वेस्टर है। होगा। इश्यूअर हो गया एबीसी और किसी इन्वेस्टर ने इसको खरीदा होगा, तो अकाउंटिंग तो दोनों की बुक्स में होगी। बिल्कुल। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है तो इश्यूअर भी रिकॉर्ड करेगा, इन्वेस्टर भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों पार्टी के दरमियान, सही? सो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन इसी से हम बनाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी के दरमियान होगा ना, that give rise to what financial asset for one party, एक पार्टी के लिए क्या होगा? फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल और फॉर हुम, सप्लाई फॉर हुम? फॉर इन्वेस्टर। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर इन्वेस्टर इज अ फाइनेंशियल एसेट एंड फॉर अ इश्यूअर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इश्यूअर के लिए क्या प्रॉब्लम है? इश्यूअर के लिए वो आइदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा या क्या होगा? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वन पार्टी के पास फाइनेंशियल एसेट और अदर पार्टी के पास आइदर फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? सो ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होती हैं, फिर हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। सो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? एनी एसेट दैट इज ए कैश, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी,
contractual right to receive cash. Contractual right to receive cash. ये definition cover करती है financial asset. Simply. इसमें जो cash है तो कोई define करने की जरूरत नहीं है. Investment in shares को भी define करने की जरूरत नहीं है. Contractual right to receive cash. This is basically investment in debt. Debt. Because when you invest in any kind of debt, what you receive against that? Interest. Interest mainly. And principal. You receive either interest or principal or sometimes both, right? So this is contractual right. क्योंकि interest हमेशा आपको मिलना ही मिलना है ना, इसलिए contractual right to receive. क्या shares में contractual right होता है? नहीं. Shares में कोई contractual right नहीं होता. मर्जी है आपको दे दे तो दे दे, but conditionally no contractual right. But still. Any kind of investment in any shares, securities, any kind of investment is always known as a financial asset. आप देखें, accounting आपको investor की book में भी करनी है, ठीक है? और accounting आपको issuer की book में भी करनी है. तो exam में वो आपसे किस site के ऊपर जाके पूछता है, तो आपको financial asset की भी accounting सिखाएंगे और financial liability की और equity instrument की भी accounting बताएंगे, ठीक है? Got it? अब देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये फाइनेंशियल एसेट्स पे हम पहले बात कर लेते हैं. ये फाइनेंशियल एसेट्स आपके शेयर्स एंड डेट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डेट. लायबिलिटी की बाद में बात करेंगे, पहले एसेट साइड कवर कर ले, ठीक है जी. अब आप देखें, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्ट करें, किसी और शेयर्स में इन्वेस्ट करें, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इंटेंशन क्या होती है? आपने शेयर्स किस पर्पस के लिए खरीदे वो देखना पड़ेगा. तो लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? फ्यूचर डिविडेंड. लोग शेयर्स खरीदते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं. कुछ लोग शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदते हैं. तो एनी काइंड ऑफ पर्पस पीपल हैव. बेचने के लिए खरीदे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे, पहला पॉइंट जो हमें एनालाइज करना है. बेचने के लिए खरीदे या लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए खरीदे. तो पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. करते हैं पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. तो अभी हम क्लासिफिकेशन किसकी कर रहे हैं? हम शेयर्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. देखें इसको इसी तरह से समझे जैसे मैं समझा रहा हूं कि आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हसनैन ने एक कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की. अब आप पूछेंगे कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, क्लासिफिकेशन करके फिर उसकी अकाउंटिंग करेंगे. सो देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड FVTPL, व्हिच इज स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैटेगरी. दिस इज कैटेगरी, राइट? एंड अनदर इज FVTOCI, और इट्स कॉल्ड It's fair value through other comprehensive income. Right? Now, आप ये बताएं, how can you identify कि आपने एक investment की? How can you identify that it is FVTPV or it's FVOCI? जो शॉर्ट टर्म होगी वो एफ यू टी पी एल होगी, जो लॉन्ग टर्म होगी वो एफ वी टी ओ सी आई होगी. देखिए इसका मेनली क्राइटेरिया ये है कि अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो, हेल्ड फॉर
ट्रेडिंग हो, आपके इंटेंशन के हिसाब से कैटेगराइजेशन हो रही है, और नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये दो कैटेगरीज बनती है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो आपकी कैटेगरी क्या बनेगी, FVTPL, और अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो कैटेगरी बनेगी FVTOCL। क्लियर, कैटेगरी क्लियर जी। अब इसकी अकाउंटिंग का प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि आपने शेयर्स खरीद लिए, अब जब आप शेयर्स खरीदेंगे तब भी अकाउंटिंग होगी और हर साल एयर एंड के ऊपर भी अकाउंटिंग होगी। सो इनिशियल मेजरमेंट, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं किस कैटेगरी की, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इस कैटेगरी की अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग, इनिशियल मेजरमेंट जो हमारी होगी, पहली मर्तबा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट। IAS says that at fair value, which is the cost of the instrument, cost जितना आपने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 शेयर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 5 ईच, हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, 50,000। दिस इज द कॉस्ट और फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। नाउ सम टाइम इट हैपेंस दैट यू हैव टू पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहां जाएगी, कॉस्ट में चली जाएगी, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट या तो एक्सपेंस में जाएगी या कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगी। अगर ये कैटेगरी होगी ना फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि वो एक्सपेंस में चार्ज होगी, चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस, वो 50,000 में ऐड नहीं होगी, 50,000 को आप सेपरेट रखेंगे और उसको आप एक्सपेंस में डाल देंगे। 50,000 तो फाइनेंशियल एसेट हो गया ना, ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर है ये बात जी। अब हर साल एयर एंड के ऊपर जब तक आप इस एसेट को कैरी कर रहे हैं अपने पास, आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करनी होगी इसकी। Yes. हर साल एयर एंड के ऊपर आप उसको रीमेजर करेंगे। देखिए शेयर्स खरीदें तो प्राइस ऊपर नीचे हो रही होगी ना, तो क्या प्राइस ऊपर नीचे को हम रिकॉर्ड करें, यस, ठीक है। सो रीमेजरमेंट एट ईच रिपोर्टिंग डेट, यू हैव टू रीमेजर। रीमेजर इट एट व्हाट, फेयर वैल्यू व्हिच इज द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे लेकर आएंगे तो गेन और लॉस आएगा, आएगा ना जी, कहां जाएगा, P&L में, इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज आपके पास जो 50,000 शेयर्स थे, सॉरी 10,000 जो शेयर्स थे, नाउ वर्थ 6, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, आपने किस पे रिकॉर्ड किया बता, आपने 50,000 पे खरीदे थे ना, yes, सही है, so additional 10,000 गेन कितना हुआ, 10,000, ये गेन आप उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इनकम, क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस पे ही है, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसे एंट्री भी बता देता हूँ, एंट्री की जरूरत नहीं है, एसेट अकाउंट को डेबिट किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दिस इज द एंट्री ऑफ गेन, लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री, राइट।
बेसिकली दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद फाइनेंशियल एसेट को आइडेंटिफाई किया, फिर शेयर्स को क्लासिफाई किया सेपरेटली, फिर एक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी. इज इट क्लियर? सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं. सेकेंड कैटेगरी क्या है? सेकेंड कैटेगरी इज एफईटी ओसीआई. यहां पर भी हम शेयर्स खरीद रहे हैं लेकिन पर्पस क्या है? नॉट फॉर ट्रेडिंग. तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंज आएगा? यस. क्या चेंज? इट शुड बी अंडर द गेन एंड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द अदर कंपनी. पहला चेंज ये आएगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, इंक्लूडेड इन द व्हाट इट मींस इन्वेस्टमेंट्स. इट मींस एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट. कॉस्ट में ऐड कर देंगे. हाउ? फॉर एग्जांपल, यू परचेज्ड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 ईच. ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाउ एक्स केदर छोटा किस केदर एंड केदर छोटा. ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 2500 एंड छोटा एक केदर होने. Now let's find out the value. So shares ki value kitni ho gayi? 50,000. Transaction cost isme aap plus kar de. Pichli example mein humne use PNL mein dala tha na as an expense. Yahan PNL mein nahi ja raha. So total capitalize hoga kitna ho gaya? Ye aapka financial asset ho gaya initially. Isko aap record kar le. Asset account debit 52,500 and cash account credit 52,500. Got it? ये एक treatment का difference आप याद रखें. Now what about subsequent measurement? Subsequent measurement में gain or loss आएगा ना? ये बिल्कुल आएगा. तो treatment तो वही है, fair value पे transfer करेंगे. Remeasure at fair value. And what is fair value? That is the market price. Suppose market price increase ho gayi. Sahi hai? Gain or loss kahan jayega? Other comprehensive income mein. Ab ye PNL mein, ab ye PNL mein nahi ja raha. Kyun? Because this gain is considered as unrealized. और unrealized gain जितने भी होते हैं वो PNL में नहीं जाते, वो OCI में जाते हैं. अदर कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टेटमेंट बनता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जाते हैं. सपोज शेयर प्राइस इज नाउ 6. So, हमारे 10,000 शेयर्स की वर्थ कितनी हो गई? 60,000. हमने रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है? 52,500. तो फ्रॉम 52,500 द वैल्यू इज इंक्रीज टू 60,000. कितना गेन आया? 7,500 का गेन आया. इस गेन को कैसे बुक करेंगे? एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,500 से और प्रॉफिट OCI को क्रेडिट कर देंगे 7,500. जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हो जाती, ठीक है, आपका जो भी गेन और लॉस आएगा या तो वो PNL में जाएगा या फिर वो OCI में क्रेडिट होता रहेगा. जब ये इन्वेस्टमेंट आपकी बिक जाएगी तो आप उसे डीरेकग्नाइज कर देंगे. ठीक है जी, ये बात समझ. इसके अंदर एक क्वेश्चन है मेरा जी कि सबसीक्वेंट तो जो भी होता है तो OCI कम या ज्यादा हो जाएगी?
दूसरे साल में, तीसरे साल में, लेकिन अगर पहले साल के अंदर लॉस आ जाए तो फिर क्या करेंगे? वो भी ओसीआई में रखेगा ना, लॉस आएगा तो भी ओसीआई में माइनस में जाएगा, तो ओसीआई फिर डेबिट होगी और एसेट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ओके। और उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर गेन हो जाता है तो लॉस ऑफसेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली इंपैक्ट इज सेम, राइट? नेट इंपैक्ट इज सेम। वेयर? या इन द बैलेंस, इन द बैलेंस शीट, बिकॉज़ बोथ स्टफ्स अंडर सो प्रॉफिट एंड लॉस और सो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इट अफेक्ट्स द इक्विटी, राइट? इंपैक्ट, इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी बैलेंस इज सेम, बट द हेड विल बी डिफरेंट। Yes. In case of fair value through profit and loss, the head is retained earning. And in case of OCI, yeah, the head is other than retained earning. Yeah. Now, investment in debt instrument. अच्छा, इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है ना, तो आपको न्यूमेरिकल पे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट पे फोकस करें। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एग्जामिनर इतना ज्यादा इस पे नहीं जाता, लेकिन अगर आप मेरा ये लेक्चर लेके जस्ट फोकस ऑन द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, तो इन केस अगर आपके एग्जाम में कोई सवाल आता है तो आप ट्रीटमेंट की बेसिस पर सवाल इजिली कर लेते। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पे बात करते। क्लासिफिकेशन, अभी हमने शेयर्स की कितनी क्लासिफिकेशन की थी? दो। ठीक है, टू क्लासिफिकेशन की थी। यहां पर जो क्लासिफिकेशन होती है वो टू क्लासिफिकेशन नहीं होती, यहां पर क्लासिफिकेशन होती है थ्री। चेक कर, there are three classification of debt financial assets. One is amortized cost, other is fair value through other comprehensive income, and third is fair value through profit and loss. Now, how we can identify that which classification the debt is fall in that particular classification? ये कैसे पता लगेगा? जो fixed term होगी वो amortized होगी और बाकी दोनों नीचे होंगी। क्योंकि amortize तो टेबल होगा ना, एक फिक्स ही होना है उसने years के ऊपर। देखिए ये it depends on ना two test, it depends on two test, and what are those test? These are called business model test and contractual cash flow test. ये test बड़े important है। An entity will designate a debt financial asset as either FVOCI or amortized cost, depending upon the outcome of two tests. तो इसका जो PNL category है ना, जो PNL category बनती है, अगर इन दोनों में fall नहीं होता तो किस में fall होगा? PNL category में fall हो जाएगा, सही? अब now what is business model test and what is contractual cash flow test? तो देखें, अगर हम इसे कैटेगराइज करवाना चाहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में, तो व्हाट इज बिजनेस मॉडल? देखें बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या होता है, आपने किस पर्पस से ये इंस्ट्रूमेंट बाय किया, सही है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइंग द इंस्ट्रूमेंट, क्या पर्पस है? Either for long term or for short term. Purpose of buying the instrument. And what about contractual cash flow test? इसमें हम क्या देखेंगे? Whether there is a receiving of interest over the period. What you are receiving against this? What you are receiving against it. Now, on the basis of these, you will decide whether it falls as amortized cost or FVOCI.
FVOOCI. So देखें पहली कैटेगरी बनाते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट. कब ये अमोर्टाइज कॉस्ट में फॉल होगा? ऑब्वियसली व्हेन इट पास टू टेस्ट. व्हाट इज बिजनेस मॉडल टेस्ट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉल टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी? देखिए आप कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं ना, तो ये आपकी अपनी इंटेंशन होती है, आप उसे कब बेच सकते हैं, कोई आपको बाउंड नहीं करेगा, लेकिन इंटेंशन देखनी पड़ेगी कि आपने उसको मैच्योरिटी के लिए होल्ड किया है या सेल करने के लिए होल्ड किया. अगर मैच्योरिटी के लिए होल्ड किया है तो इसका मतलब है वो अमोर्टाइज कैटेगरी के अंदर जाएगा. एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो उससे हमें रिसीव होगा इज सोलली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, नथिंग अदर देन दैट. तो ये क्लेरिफाई कर लें, इन ऑर्डर टू फॉल दिस इन टू अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी द बिजनेस मॉडल टेस्ट इज टू होल्ड इट टिल मेच्योरिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इज सोली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. Now, as far as the FVTOCI is concerned, what are the difference? Look the difference. Number one, you have to see business model. Kya business model change hoga? Obviously, baat hai. Category change hogi, to business model bhi change hona chahiye. So, business model kya banna chahiye? टू होल्ड टिल मैच्योरिटी होगा. टिल मैच्योरिटी तो फिर सेम नहीं हो जाएगा? नहीं, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो चेंज होंगे. एंड टू सेल अर्लियर और टू सेल बिफोर रिडम्पशन, यानी कि दोनों इंटेंशन है. ओके ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाली कंडीशन सेम रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. Same as above. अच्छा अब आप कहें कि जी ना amortized cost follow हो रहा है ना FVOCI follow हो रहा है, तो वो कौन सी condition होगी जब ये दोनों follow नहीं होंगे? जब payments कुछ अलग हो जाए, interest और इसके अलावा हो जाए कुछ शायद. जी जब cash flow is other than or in addition to, यानी कि वो तो मिल रहा हो उसके अलावा भी कुछ मिल रहा हो. अब ये कैसा होगा कि क्या मिल रहा होगा इसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट पे? ऐसा पॉसिबल है कुछ और मिल रहा हो? वो हम उसमें आपने बताया था ना कि वो चेंज करते हैं कि आपने लेट्स से के 100 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसकी जगह आपको शेयर्स मिल जाएंगे फ्यूचर में जाके. कन्वर्टेबल डेट्स, कन्वर्टेबल डेट्स में आपको एक तरफ तो इंटरेस्ट रिसीव होता है ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास चॉइस होती है. किस चीज की चॉइस होती है? अदर टू कन्वर्ट प्रिंसिपल और शेयर्स. कैश में कन्वर्ट करवा लें हम, रिडम्पशन करवा लें, या तो आप रिडम्पशन करवा लें या आप शेयर्स में कन्वर्जन करवा लें. तो ये जो तीसरी चीज आपके पास आई है ना, ये आपको कैटेगरी चेंज करने पे फोर्स कर रही है. या फिर आपकी इंटेंशन क्या हो, बिजनेस मॉडल टेस्ट पास ना हो, इंटेंशन क्या हो, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तब भी ये उस कैटेगरी के अंदर नहीं जाएगा. एम आई राइट? तो इसको जरा एक थोड़ा सा इसकी एक पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको और रिटेन करने में आसानी रहेगी. बुक में से मैंने एक पिक्चर इसकी क्रॉप करके शेयर कर रहा हूँ. ये देखेंगे, ये चेक करें,
जो अभी हमने डिस्कस किया उसको समराइज करो। बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड अंटिल रिडम्पशन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो पास्ट, कौन सी कैटेगरी बनेगी? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट। सेकेंड, बिजनेस मॉडल इज आइदर टू होल्ड अंटिल रिडम्पशन एंड टू सेल बिफोर रिडम्पशन, बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो पास्ट। नाउ ठीक है, देखिए आप लोगों को ये जो क्लासिफिकेशन पकड़नी है ना सही तरीके से, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो क्लासिफिकेशन क्या होती है। डज नॉट पास द टेस्ट, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन शॉर्ट टर्म, देन FETPL. Now, if the categories are three, it means accounting treatment varies from one category to another. Okay? So, let's discuss accounting treatment. First category, let's fair value through profit and loss. FETPL, इस कैटेगरी में अगर आपने कोई डेट इंस्ट्रूमेंट बाय किया तो इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगी? जैसे एसेट की होती, बिल्कुल सेम इस पर होगी, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, एट फेयर वैल्यू। स्टैंडर्ड सेज फेयर वैल्यू, एंड फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। सो इफ आई राइट एट कॉस्ट, इज देयर एनी चैलेंज? यस, टेक्निकली इट्स सेम, but the better word is fair value. If I am the examiner, I have no issues in cost or fair value, but the standard says fair value. Now, what about transaction cost? Charge to P&L. Same treatment as shares, charge to profit and loss account as expense. Fine. What about subsequent measurement? The difference between the remeasure at fair value. Remeasure at fair value. Now fair value is market price. Any gain or loss on that debt instrument is to be recognized in profit and loss, either as an income or a expense. Now, the second category, fair value through OCI. Initial measurement, what is the difference? Transaction cost should be capitalized. At fair value, which is the cost, the only difference is the treatment of transaction cost. Transaction cost is to be capitalized. Is added to the cost. What about subsequent measurement? Is there any difference? Yes, it should go through OCI. Remeasure at fair value. Remeasure at market value. Any gain or loss? Where? OCI. OCI. So the only difference is transaction cost and the changes in the value. अच्छा, आपने बताया fair value और cost almost same है, लेकिन fair value is the correct word. हाँ, देखें fair value और market value में क्या फर्क है? देखें fair value technically लोग fair value basically market value होती है, लेकिन जब पहली मर्तबा खरीदते हैं ना तो fair value cost के बराबर हो जाती है।
अच्छा ये भी हमेशा सही तो नहीं है ना कि फेयर वैल्यू कॉस्ट के बराबर हो। देखें आप देखें, एक एक शख्स है वो अपनी एक चीज जो है वो 100 रुपीज जिसकी मार्केट वैल्यू चल रही है वो आपको 80 रुपीज की सेल कर रहा है, आप 100 पे रिकॉर्ड करेंगे 80 पे रिकॉर्ड करेंगे 80। नाउ टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आप मार्केट प्राइस पे नहीं खरीद रहे, कॉस्ट पे खरीद रहे। तो यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पता क्या होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन मार्केट से हो रही होती है ना, तो जो भी मार्केट की ट्रांजेक्शन प्राइस इनिशियल मेजरमेंट पर होती है वो आपके लिए कॉस्ट बन जाती है। So at initial measurement, fair value equals cost. Is always equal to cost. नहीं आपकी एग्जांपल में तो नहीं थी इक्वल। वो तो मैंने आपको नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल दी। शेयर्स मार्केट में तो जो प्राइस चल रही होगी उसी पे खरीदेंगे ना आप। नहीं बाज दफा होता है ना कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो अपने शेयर जो है वो ओवर वैल्यू करके खरीद ले। तो फिर भी मार्केट प्राइस हुई ना, वो जो मार्केट में चल रही होगी वही प्राइस होगी ना, चाहे अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि कैपिटल मार्केट में मार्केट चल रही है $100 की, आपको कहेंगे जी हम आपको $90 का दे रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक सही। आप उस डिफरेंस पे ना जाएं, फेयर वैल्यू कॉस्ट ना, ये कोई इतनी खास चीज नहीं है। ओके।